वैलेंटाइन डे लोग सोचते नहीं हैं, बस करते चले जाते हैं। क्या आपको पता भी है ये क्या है? मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ये रोम का खेल है, ये रोम से शुरू हुआ और वहीं से इसको बढ़ावा मिलता चला गया। वो जिसका नाम वैलेंटाइन था वो कुछ भी नहीं था, बस छोटा मोटा काम किया उन्होंने कि कुछ लोगों की शादियां करा दी, बस इतनी सी बात थी। इसका कितना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है, एक हफ्ते पहले से शुरू हो जाता है, कभी फूल बांटे जाते हैं, कभी रोज़ डे, कभी चॉकलेट, कभी टेडी डे, कुछ कुछ जो आप जानते हैं सब कुछ, मेरे से ज़्यादा तो आप लोग ही जानते हैं क्योंकि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो देखने में और करने में बड़ा अंतर होता है। तो क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या आपको नहीं लगता कि इसे आपकी ऊर्जा, धन, संपत्ति, यौवन, समय और संस्कार, इन सब चीज़ों का विनाश हो रहा है? लेकिन आज आपको मेरी सभी बातें ये व्यर्थ लगेंगी क्योंकि आप तब तक जब तक अंदर घुस के नहीं देखोगे और समय के अनुसार आपकी बुद्धि विकसित नहीं होगी और आप अपने तर्क के साथ इन चीज़ों को नहीं तोलोगे, तब तक मेरी सब की सब बातें आपको व्यर्थ ही नज़र आएंगी। मेरे सब के सब शब्द ऐसे ही नज़र आएंगे कि नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन जब आप खोज करोगे तब आपको पता चलेगा कि निष्काम प्रेम क्या होता है और वासना का प्रेम क्या होता है। जिसको आप प्रेम समझते हो वो कुछ पल का वासनाएं हैं और ये वासनाएं इस प्रकार की हैं कि जैसे दूध को उबाला जाए वो एकदम से बाहर निकलता है, समाप्त। वैसे ही हार्मोन है आपके शरीर के अंदर, जब ये रिलीज होते हैं तो उससे आपको थोड़ा बहुत आनंद महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, आपको लगता है इससे अच्छी चीज़ें इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप अपने अंदर की खोज शुरू करोगे, ब्रह्मचर्य को मजबूत करोगे, ऊर्ध्व गमन की ओर बढ़ोगे और ये आपके अंदर की ऊर्जा ऊपर की ओर गमन करने लगेगी, तब आपको एहसास होगा कि आप क्या खो रहे हो, आपने इस जीवन में क्या खो दिया, कहाँ आपको जाना चाहिए था, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए था, किस प्रकार से आपको चलना चाहिए था, कैसे एक एक कदम फूक फूक करके रखना चाहिए था, अभी आप नहीं समझोगे। जब ये चीज़ें चली जाएंगी, समय चला जाएगा, आपकी ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी, तब आपको एहसास होगा कि नहीं, हमने तो इस जीवन का ही विनाश कर दिया, हमने तो एक लगे हुए पौधे को उखाड़ करके ही फेंक दिया, हमने तो बीज समेत उसको उखाड़ करके फेंक दिया। कुछ पल के लिए, कुछ समय की खुशी के लिए, कुछ पलों के लिए, जिससे आप सब कुछ एक क्षण, कुछ अक्षण के अंदर ही सब कुछ अक्षण कर देते हैं। क्या यही वैलेंटाइन डे है? क्या आपके घर में आपकी बहन नहीं है? अगर वो भी इसी प्रकार से वैलेंटाइन डे मनाने लगे, आपको कैसा महसूस होगा? आपके सबके घर के अंदर लड़कियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, और भी रिश्ते बहुत से हैं लड़कियों के साथ, अगर वो बाहर जा करके इसी प्रकार से करने लगे तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या वो जो बाहर के लड़कियां हैं वो हमारी बहनें नहीं हैं? क्या कहाँ जा रही है हमारी संस्कृति, किस दिशा की ओर जा रहे हैं हम नहीं समझ सकते, लेकिन बस भाग रहे हैं। वो रोम वालों ने शुरू किया, घूमते घूमते इंग्लैंड तक पहुंचा, इंग्लैंड से क्रिश्चियनों में चला गया, उन्होंने सेंट की उपाधि दे दी और ये फैल गया विश्व के अंदर, क्योंकि जितनी ये ईसाई मिशनरीज हैं ये अपना काम करती हैं, लोगों को मनोरंजन का साधन है ये, कि ये मनोरंजन है उनके लिए, ये कुछ नहीं है। वो वेद को नहीं जानते, वो उपनिषदों को नहीं जानते, वो भागवत को नहीं जानते, वो हमारे पुराणों को नहीं जानते, वो गीता को नहीं जानते, वो हमारे ऋषि मुनियों को नहीं जानते, वो ये भी नहीं जानते कि संत क्या होते हैं, उन्हें ये नहीं पता जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे वही संत होते हैं। वो ये समझते हैं कि एक स्त्री पुरुष का मिलन कराने वाला ही संत होता है,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आत्मा जब परमात्मा तक पहुँचती है वहाँ वासना नहीं रहती, वासना का बीज भी नहीं रहता, सब वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। असली प्रेम परमात्मा से प्रेम है। जब ये आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है, उसकी तरफ चढ़ाई शुरू होती है, तब प्रेम की जागृति होती है। और वहाँ पहुँचे बगैर ना किसी की मुक्ति हुई है ना हो सकती। आप घूमते रहे इस संसार के अंदर, भटकते रहे, इधर उधर की बातें करते रहे, लड़कियों के पीछे दौड़ते रहे, लड़कियां लड़कों के पीछे दौड़ती रहे, और इस भाग दौड़ भरे संसार में क्या है ये? ये मिट्टी का खेल मिट्टी से ही है, मिट्टी की प्यास है, और मिट्टी के खिलौने, और मिट्टी से रगड़ से मिट्टी थोड़ी संतुष्ट हो सकती है। कुछ पल का खेल है, फिर मन के अंदर वही विचार पैदा होंगे, कल फिर वही चीज़ें चाहिए आपको, परसों फिर वही चीज़ें चाहिए आपको, इससे अपराध बढ़ता जाएगा, आपकी जो आत्मा की पवित्रता थी वो कमज़ोर होती जाएगी, आपका अंदर जो ब्रह्मचर्य का तेज था वो समाप्त होता जाएगा, और आपका शरीर मन विचार और जो उठने की अक्षमता होगी, जो विचार की ताकत होगी, जो बुद्धि की ताकत होगी और जो तेज होगा वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आपका चेहरा बुझा हुआ नजर आने लगेगा, कोई भी देखते ही आपको बता देगा कि ये क्या है, कि इसके अंदर क्या चल रहा है, तब आप क्या सोचोगे कि खो दिया हमने सब कुछ। आपके पास समय नहीं होगा, आप संभल सकते हो तो संभल जाओ, नहीं तो आपको समय संभाल देगा, क्योंकि समय सदा एक जैसा नहीं रहता। जो जो आपकी आयु ऊपर चढ़ेगी, जो जो ये सुई घूमेगी, आप मृत्यु के करीब जाओगे। आपके विचार के अंदर, तर्क के अंदर, बुद्धि के अंदर जब समझ पैदा होगी, जब आपके बच्चे होंगे, वो बड़े होने लगेंगे, तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि हमने क्या किया, कैसे किया, क्या अच्छा किया, क्या गलत किया। क्योंकि जो संस्कार हम आज अपने आप ही मिटा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी उसको कैसे संभाल करके रखेगी? बिल्कुल नहीं संभाल करके रखेगी। जब वो नहीं संभाल करके रखेगी, फिर आप उनके ऊपर गुस्सा होगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी मर्जी के अनुसार चलाने की कोशिश करोगे, लेकिन वो मर्जी से नहीं चलेंगे, क्योंकि बिना संस्कार दिए किस प्रकार से आप उनको संभालोगे? और कोई तो दूसरा तरीका ही नहीं है। आने वाली पीढ़ी तो हमारे से भी तेज होगी, दो कदम आगे होंगे, चार कदम आगे होंगे, कैसे उनको मैनेज करोगे, कैसे उनके ऊपर पकड़ बनाओगे, कैसे शब्द का प्रभाव रहेगा? जब हम ही उस रास्ते के ऊपर नहीं चलेंगे, वो क्यों चलेंगे? वो तो जो हमारे पूर्वज जो बड़े हैं, जिस प्रकार से छोटा भाई बड़े भाई के कदमों से कदम मिला करके चलता है, एक पुत्र एक पिता के कदमों से कदम मिला करके चलता है, अगर पिता ही ऐसा होगा तो पुत्र कैसा होगा, आप खुद समझिए। फैसला आप सबके हाथ में है कि आपको सही रास्ते पर चलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने आप को संभाल करके चलना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ब्रह्म के पास जाना है, जागृत होना है और उस परमात्मा से मिलना है। एक तो ये रास्ता है, दूसरा भी अगर आप देखेंगे कि हमें संसार में धन की चाहत हो, धन की कमाई करनी हो, संपत्ति अर्जित करनी हो, तो भी ये रास्ता अच्छा नहीं है। इसमें अगर ऊर्जा इस ब्रह्मचर्य विनाश के अंदर चली गई तो आप उस रास्ते पर भी नहीं जा सकोगे, बस केवल जीवन को काटते चले जाओगे, ना पढ़ाई की ओर ध्यान हो पाएगा, ना संसार को संभाल पाओगे, ना अपने आप को संभाल पाओगे, ना कोई काम शुरू कर पाओगे, ना नौकरी की तरफ बढ़ पाओगे, क्या आप मिलेगा आप लोगों को? बस जब आपकी आयु निकल जाएगी, आप 40 वर्ष के हो जाओगे, आपको एहसास होगा कि हमने तो कुछ भी नहीं पाया। जिन्होंने अपने आप को संभाल करके रखा, अपने लक्ष्य को निर्धारित किया, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, चाहे प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, अक्षेत्र चाहे कोई भी हो, जिसने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर दिया और लक्ष्य के ऊपर चलना शुरू कर दिया कि हमने एक वर्ष में इतना कदम चलना है, दूसरे वर्ष में इतने कदम चलना है, तीसरे वर्ष में और ज़्यादा चलना है, अपने एक एक कदम को देखता जाए और चलता जाए, वो पीछे नहीं रह सकता, कोई भी नहीं, किसी भी क्षेत्र में हो, अपने क्षेत्र में वो जीव बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये आपको देखना है, ये सब कि आपको आगे बढ़ना है,
पीछे हटना है, जीवन को बर्बाद करना है, आबाद करना है, इन छोटी छोटी वस्तुओं में अपना समय खत्म कर देना है, वासनाओं में डूब जाना है, अपने को उठाना है, अपने को गिराना है, क्योंकि परमात्मा ने सबको स्वतंत्र छोड़ दिया है और ये जीव बिल्कुल स्वतंत्र है कर्म करने के क्षेत्र में, लेकिन फल परमात्मा के हाथ में है, ये बात आप याद रखना। और जब आपके ऊपर फल की मार पड़ेगी फिर आप चिल्लाओगे, रोओगे, आत्महत्या की ओर भागोगे। बहुत से रास्ते ऐसे हैं जिनका आप उपयोग ना चाहने के ऊपर भी आपको करना पड़ता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, आप अपने ब्रह्मचर्य को संभाल करके रखें और ध्यान की ओर बढ़े, क्योंकि जो ऊर्जा अंदर में है ऊपर की ओर उठनी शुरू हो गई, फिर आपको इन नीचे की ऊर्जाओं की आवश्यकता नहीं होगी, बाहरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप परमात्मा की ओर बढ़ें, सुमरण करें और अपने लक्ष्य को केंद्रित करके इन व्यर्थ की चीज़ों से बाहर निकलने का प्रयास करें।